पौधा आप देख रहे हैं ये है बुरांश का, ये इसे रोडोडेंड्रॉन स्पीशीज कहते हैं। और ये जंगल इस टाइम जो है बुरांश के फूलों से पूरा भरा हुआ है। जगह जगह आपको बुरांश के लाल लाल फूल, प्यारे से फूल दिख जाएंगे। तो आज हम जो है इन्हीं की ढूंढ में आगे जा रहे हैं, देखते हैं कितने फूल मिलते हैं हमें। ऑलरेडी हम लोग एक बैग फुल ऑफ बुरांश फ्लावर्स कलेक्ट कर चुके हैं, और भी मिलेंगे। रास्ता अभी लंबा है, ये आप देख सकते हैं पूरे जंगलों में इनकी बाहर आ रखी है। ये आप देख सकते हैं हमारा असिस्टेंट जो है ये लगा हुआ है बुरांश तोड़ने में, और इसने जो है पूरा कलेक्शन बना लिया अपना बुरांश का। आराम से चढ़ना भैया, गिरना नहीं, नहीं तो बुरांश तो बाद में मिलेगा, और तो पेड़ 1 दिन पहले ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल 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 बनाएंगे हम, इसकी दवाई बनाएंगे। वैसे सर अगर हम करना चाहें तो बिकेगी नहीं? हाँ, बेसिकली जो इसका रस है वो अम्ल रस और कषाय रस प्रधान है, और जैसे कि आयुर्वेद में बताया गया है कषाय रस को वृद्धि है। तो बुरांश का जो ये फ्लावर है इसके बहुत से यूजेस होते हैं, डायबिटिक्स, हार्ट डिजीज़, इनमें बहुत बेनिफिशियल है। इसमें जो सेपोनिन्स या ग्लाइकोसाइड्स जो पाए जाते हैं, जो फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, वो हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमिया, हाई लिपिड लेवल्स और CHF में बहुत बेनिफिशियल है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। वैसे टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों में इफेक्टिव है, ब्लड शुगर लेवल को बहुत इफेक्टिवली कम करता है। कुछ स्किन डिजीज़, क्रॉनिक वूंड्स, अल्सर्स, उसमें भी ब्रांच का जो एक्सट्रैक्ट है वो बहुत इफेक्टिव पाया गया है। ब्रांच एक ऐसा फ्लावर है, एक ऐसा हर्ब है जो कि मल्टीपल डिसऑर्डर्स में काम करता है। डायरिया में भी इसका बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि कषाय रस है, इसके अंदर जो टैनिन्स हैं वो डायरिया के फ्लो को कम करते हैं। तो ये एक और प्लांट है, ये भी लगभग पूरा भरा हुआ है बुरांश से, बस ये लास्ट है, इसको कलेक्ट करके फिर हम चलेंगे नीचे।